हूँ गौरव, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पांडे एक्सपेरिमेंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही मजेदार टॉपिक कवर करने वाले हैं और आपको इस वीडियो में ये टॉपिक जानकर बहुत ही मजा आने वाला है और आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो वाइब्रेटर मोटर होता है, जो मोबाइल में जो यूज किया जाता है, जो हमारे मोबाइल को वाइब्रेट करता है, तो उसमें जो इंटरनल पार्ट होता है तो क्या होता है, वो मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में आज ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है हमारे पास कुछ जो हमारा मोबाइल वाइब्रेटर होता है। देखिए, कुछ ये हमारे जो राउंड शेप में होते हैं, ये हमारे जो स्मार्टफोन वगैरह होते हैं उसमें लगा हुआ होता है। और ये जो हमारा आप जो इस प्रकार का जो स्क्वायर टाइप का देख पा रहे हैं, ये हमारा जो मल्टीमीडिया सेट थे छोटे वाले, जो सादा सेट बोला जाता था उसमें यूज किया जाता था, जो हमारा नोकिया वगैरह था उसमें भी यूज किया जाता था इस प्रकार का। देखिए, इसमें पीछे हमारे वायर लगे हुए रहते हैं और आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाफ भील ही लटकाई जाती है इसमें वाइब्रेट करने के लिए। इसके आधी बाजू जो है वजन ही लटकाया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा आधी बाजू हुई इसमें वजन लटका हुआ रहता है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये लगा हुआ है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। और इसमें जो हमारा इंटरनल पार्ट होता है तो क्या क्या रहता है, तो वो भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या होता है और इस टाइप के अंदर क्या होता है। कि इसमें जो ऐसा रहता है कि ये हमारा जो है वाइब्रेट होता है मोबाइल वगैरह है, तो ये जिस जगह पर रहता है तो वो चीज़ वाइब्रेट होने लगती है। तो इसमें अंदर क्या रहता है ऐसा, तो चलिए मैं अभी आपको इसको जो है अंदर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो इन दोनों को मैं जो है साइड में रख लेता हूँ और यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा मोबाइल वाइब्रेटर है तो इसी को अभी मैं यहाँ पर देखिए जो खोल लेता हूँ। मैंने थोड़ा सा पहले से ओपन किया हुआ है, देखिए मैं इसको अभी जो है ओपन कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने जो है ओपन कर लिया है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने इसका जो है केसिंग हटा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मैंने इसका केसिंग हटा दिया है और ये इसका जो ऊपर केसिंग है, अपर केसिंग जो ये मैंने हटा दिया। और ये जो है हमारा वाइब्रेटर का मेन पार्ट जो है ये है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से कुछ देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा जो है मेन पार्ट्स है मोटर का। तो अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, तो वो मैं आपको थोड़ा शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार से टच हुआ रहता है। देखिए, ये हमारा कुछ इस प्रकार से टच हुआ रहता है। ये हमारा मेन मोटर का जो पार्ट्स होता है, जिसमें हमारी मोटर की जो दो बाइंडिंग्स की जाती है। देखिए, इसमें भी हल्का सा पार्ट हमारा कट है, ये इस साइड जो बाजू हमारा कट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हल्का सा हमारा कट है। और ये दो बाइंडिंग्स की गई हैं, बहुत ही महीन वायर की ये बाइंडिंग्स की जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो है यहाँ पर देखिए कार्बन ब्रश हैं। देखिए, आपको मैं यहाँ पर शो करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हल्का सा यहाँ पर जो कार्बन ब्रशेज हैं, तो अभी देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर ये कार्बन ब्रशेस हैं इसमें, ये यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पर हमारे कार्बन ब्रशेस दिए गए हैं यहाँ पर। और इसमें हमारा मैग्नेट भी है, देखिए ये यहाँ पर ये हमारे जो स्क्रू ड्राइवर है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हमारा जो इसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता है परमानेंट मैग्नेट, ताकि ये जो हमारा कॉइल है ये इसके ऊपर मूव कर सके और हल्का सा हमें वाइब्रेशन पैदा कर सके। तो और ये वाइंडिंग जो हमारी रहती है पीछे साइड की, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारा कम्यूटेटर इसमें बना हुआ रहता है, जो कॉपर की यहाँ पर स्ट्रिप्स बनी हुई है, जो हमारा जो पार्ट्स बना हुआ है यहाँ पर बनाया हुआ रहता है। तो इस प्रकार से इस पर जो है कार्बन ब्रश बारी बारी से टच होता है और हमारा जो मोटर है वो इसका जो स्टेट ये रोटर है जो हमारा मूव करने लगता है कुछ। देखिए इस प्रकार से, मैं आपको जरा इसको अभी फिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमारा जो है ये इस प्रकार से, देखिए हमारा थोड़ा चिपक जा रहा है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ जो है इस प्रकार से ऐसे मूव करता है यहाँ पर,
इस प्रकार से ऐसे करके, तो ये इस प्रकार से हमारा मूव करता है इस प्रकार से। तो इसका यहाँ पर से इस साइड से बार थे वो टूट गया था मेरा खोलने में, बट ये तो बेकार हो चुका है, वो हमारे काम के हैं दोनों। तो उसका भी मैं आपको एक प्रकार का उसमें जो हमारा स्क्वायर टाइप का है वो जो मैं आपको खोल कर इसमें दिखाऊंगा कि हमारा क्या होता है क्या नहीं होता उसके अंदर, उसमें किस प्रकार का जो इसका इंटरनल पार्ट है सर्किट बनाया हुआ रहता है। तो मैंने आपको जो इस प्रकार का हमारा जो डिजिटल ये वाइब्रेटर बोला जाता है इसका मैंने आपको सर्किट दिखाया, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया रहता है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट यूज किया जाता है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो अभी मैं जो है इसमें दूसरे प्रकार का जो हमारा जो वाइब्रेटर होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला कुछ हमारा सिलेंड्रिकल शेप का। तो इसको जो है हम अभी आपको रिपेयर इसमें सॉरी इसको हम अभी आपको इसके अंदर का जो पार्ट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं इसको जरा ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा कुछ इस मोटर के अंदर का पार्ट्स, तो जो मैंने आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए मैं उसको जो है इसके नाम भी बता दूँ आपको। तो ये है हमारी मेन जो मोटर होती है उसकी वाइंडिंग, जिसको कि जो हमारी कॉइल बोली जाती है। यहाँ पर इसमें देखिए दोनों तरफ वाइंडिंग है, यहाँ पर इधर ये भी वाइंडिंग है इसमें, और इसके बीच से हमारी सॉफ्ट पड़ी हुई रहती है। और ये हमारे मोटर की जो है अपर केसिंग है जो कि बॉडी बोली जाती है, और ये हमारा मोटर का बूस है जिसपे कि हमारी सॉफ्ट रोटेड होती है जो रोटर होता है, और ये हमारा बैक बॉडी है जिसपे कि हमारा टर्मिनल रहता है। देखिए ये हमारा टर्मिनल है जो कि टूट चुका है, ये मैंने जो मोटर खोला है खराब हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेन चीज है कि आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर समझा सकूं और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकूं। तो ये हमारी कॉइल, और ये हमारा है बेड काउंटर जो हमारा रोटेड होता है, और इसका देखिए मैं मैग्नेट आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें जो है हमारा चिपक रहा था। तो ये है हमारा मैग्नेट, देखिए अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हमारा मैग्नेट है जो कि हमारी कॉइल के बीच में पड़ा हुआ रहता है। तो मैं आपको ज़रा इसका थोड़ा फिट करके दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से फिट हुआ रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका पूरा कॉइल जो है आप देख सकते हैं अंदर से पूरा जो है खाली है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये मैग्नेट डाली हुई रहती है, और ये हमारी जो जो हमारा बेड काउंटर है ये इस प्रकार से इस साइड से यहाँ पर हमारा कुछ लगाया जाता है इस साइड से। देखिए मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से ये लगाया हुआ रहता है। ये कुछ देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमारा जो है फंसा दिया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैग्नेट जो हमारी कॉइल के अंदर डाली हुई रहती है, और ये इस प्रकार से फिट हुआ रहता है पूरा बॉडी के अंदर, तो ये इस प्रकार से ये रोटेड होता है। तो आपने देखा कि हमारा जो वाइब्रेटर मोटर होती है उसके अंदर के इंटरनल पार्ट्स का और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या होता है उसके अंदर, तो वो सारा कुछ मैंने आपको आज की वीडियो में बताया और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता रहूँगा। और आपका किसी भी टॉपिक पर अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी रिलेटेड आपको वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।